गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखिए क्या लेके आए हैं आपके लिए। हम आज लेके आए हैं हिंदी में आपके लिए फ्लैश कार्ड में नंबर बने, नंबर है क्या? नो, वर्ड बने हुए हैं, अक्षर बने हुए हैं। देखिए बहुत सारे अक्षर बने हैं, इन अक्षरों के थ्रू आज हम क्या करेंगे, हिंदी अभ्यास पत्रक में इन शब्दों को पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो चलिए हम इसे कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे, इसे हम बोर्ड के थ्रू आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आपको हम आप प्रैक्टिस क्यों करवाते हैं, क्योंकि आप इसे लर्न करें। ओके एवरीवन, यस, लुक एट द बोर्ड। आज हम हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी में दिए गए अक्षरों को पढ़ो और लिखो। क्या करना है हमें, इसे पढ़ना और लिखना है। कैसे पढ़ना और लिखना है, तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। क्या दिया हुआ है, रस्सी का, देखिए क्या दिया हुआ है, रस्सी का। तो में कौन सी मात्रा लगी है, जहाज का। क्या बना हुआ है, जहाज का बना है ना। ल, क्या दिया हुआ है ये, ल, ल में ए की मात्रा, ले दिया हुआ है, यस। अब नेक्स्ट है स, स में ए की मात्रा, क्या दिया हुआ है, व वजन का। क्या बोलते हैं इसे हम, व वजन का, वा, यस। घा घड़ी का, घा घड़ी का। एंड खा खरगोश का, तो खा खरगोश में क्या लगाएंगे, कुछ लगाएंगे क्या, ख में का कलम का, कमे नंबर फाइव, कमे एक मात्रा के। एंड चाचक्की का, क्या आ गया हमारे पास, चाचक्की का है, चाचक्की का, यस। एंड हाँ हलवाई का, इसकी बात क्या है, चा चक्की के बाद देखिए क्या दिया हुआ है, छा छाते का, छा में ए की मात्रा छ। तो ये हमारा थर्ड वर्ड कंप्लीट। टमाटर के बाद नानल का, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नानल में एक मात्रा ने। दूसरा वर्ड क्या दिया हुआ है, तातराजू का, तमे एक मात्रा ते। और रमे प्रकार से आज हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, दिए गए अक्षरों को पढ़ो और लिखो। अभ्यास पत्रक में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड को आपको देख देख के अपनी
नंबर थर्ड में एक और शब्द दिया हुआ आपकी बुक में भी दिया हुआ है। देखिए ये बुक है आपकी थीम फाइव वाली, ठीक है। थीम फाइव चल रहा है हमारा और थीम फाइव में अभ्यास पत्रक, अभ्यास पत्रक में यहाँ कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आप बुक में भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं, हमें सेंड कर सकते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है इसको फिल कर सकते हैं आप। एंड नंबर थर्ड में र में एक मात्रा रे, रे ल, रे क्या बना रे। नंबर फोर में क्या है, ख में एक मात्रा खे, खे से क्या बनेगा खे, क्या बनेगा खे। एंड नंबर फाइव में क्या बनेगा, क्या है ये ब, ब में एक मात्रा बेल, बे। तो इस प्रकार हमने इन अक्षरों से हमने एक शब्द बनाना सीखा है और इन शब्दों की आप भी प्रैक्टिस कीजिए। एंड नंबर थर्ड में है चित्रों के नाम पूरे करो, क्या दिया हुआ है चित्रों के नाम पूरे करो। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, इन चित्र से आपको उनके नाम पूरे करना है। तो कौन कौन से चित्र दिए हुए हैं, दिस इज अ एप्पल, क्या है बेटा ये एप्पल। तो एप्पल में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हाँ? एप्पल को क्या बोलते हैं, सेब, ये सेब है, इस प्रकार से लिख लीजिए। और नेक्स्ट क्या है ये, जल्दी से सब लोग देखिए, यस येलो बनाना, बनाना मीन्स केला, एप्पल और केला। और बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं, ये दोनों के अलावा भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। तो ये आज का आपका क्लास वर्क है, फिर से इसकी प्रैक्टिस करवा देते हैं, रिपीट करवा देते हैं। आज सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी का आपका क्लास वर्क है, दिए गए अक्षरों को पढ़ना और लिखना है। कुछ बॉक्स में अक्षर दिए हुए हैं, इन अक्षरों को आप बोल बोल कर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। एक कैसे लिखेंगे, रमें एक ही मात्रा रे ज, है ना। इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट हुआ, सेकंड इन अक्षरों से शुरू होने वाले शब्द लिखो। इन अक्षरों से कौन से वाले, इन अक्षर से यहाँ पहले से कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड से आपको नया शब्द बनाना है। जैसे क में एक मात्रा के दिया हुआ है, अब के से कौन कौन सी चीजें बनती है आपको ढूंढना है। हमने तो एक बताए हैं, जैसे क में एक मात्रा के ला, केला। तो ये हमारा सेकंड कंप्लीट। थर्ड, चित्रों के नाम पूरे करो। यहाँ पे बहुत सारे चित्र दिए हुए होंगे, आपको पहचान कर उनके नाम लिखना है और कलर करना है। देखिए हमने कर लिए, तो ये आज आपका क्लास वर्क है कंप्लीट। देन होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में है सेम अस क्लास वर्क। जितनी सारी चीजें हमने आज आपको क्लास में समझाई है, इसे अपनी नोटबुक में आपको नोट करना है और हमें सेंड करना है और इसे लर्न भी किया करो। प्रैक्टिस कर कर करने के लिए आपको, जब आप बोल बोल के लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको लर्न भी होते चलेगा। तो इसे आप कंप्लीट करके सेंड कीजिए। ओके बाय।